हेलो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि हमारे पास इक्विवेलेंट वेट क्या होगा फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरस एसिड का और हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। देखिए क्या होता है, पहले तो हम इस बात को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है कि एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस है हमारे पास जो क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन को लॉस करेगा। तो एसिड एच पॉजिटिव आयन को लॉस करता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर बेसिसिटी। क्या होगी इसको, बेसिसिटी यहाँ से बोला जाएगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट आपके पास क्या होगा, दिस इज योर मोलर मास डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, दैट इज योर बेसिसिटी। बेसिसिटी जो है ये आपके पास यहाँ से, इज इट ओके। तो इक्विवेलेंट वेट क्या जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो नॉर्मली यहाँ से बच्चा मिस्टेक क्या करता है कि एच थ्री दिया हो तो ये जल्दी से क्या करेगा, थ्री एच पॉजिटिव आयन जो है वो आयनाइज करेगा। यहाँ पर भी एच थ्री दिया हुआ है तो थ्री पॉजिटिव आयन जो है वो आयनाइज कर देगा इधर भी। लेकिन ऐसे केस में ऐसा नहीं होता है, जो ऑक्सो एसिड है इसमें वही एच रिलीज होगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पे आप देख लो ये रिलीज होगा, इधर आप देखो यहाँ से भी ये रिलीज होगा, यहाँ से आप देखिए ये ओ एच और ये ओ एच रिलीज होंगे, तो यहाँ से बेसिसिटी टू आएगी। और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है इसलिए बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, वन। इस केस में टू, इस केस में कितना आएगा, थ्री। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई थ्री। यहाँ से इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई वन। थैंक यू।